कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान आज जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का छात्रों से मुलाकात और संवाद कार्यक्रम रहा। इसके बाद राहुल वर्जीनिया भी जाएंगे। यहां राहुल गांधी प्रवासी भारतीय लोगों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि सोमवार को राहुल ने टेक्सास के डलास में एक यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच बातचीत की थी। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बदल गया है। लोगों ने कहा कि अब डर नहीं लगता। मेरे लिए ये दिलचस्प है कि बीजेपी और पीएम मोदी ने इतना डर फैलाया, लेकिन सब कुछ सेकंड के भीतर गायब हो गया। डर निकल गया, डर नहीं लगता। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने डर निकलने की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहा कि संसद में मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि पीएम मोदी का विचार, 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, ये सब अब इतिहास हो चुका है। People will come driving in the car, sometimes they make me open the window and they say, डर निकल गया, डर नहीं लगता। अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू मी दैट बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि हम विचार कर रहे थे कि हमें आखिर क्या करना है। मैंने कहा देखा जाएगा और हम चुनाव में गए। बीजेपी ये नहीं समझती कि ये देश सबका है। राहुल गांधी ने इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का कहना है कि कुछ राज्य अन्य राज्यों की तुलना में कमतर हैं, कुछ भाषाएं अन्य भाषाओं की तुलना में कमतर हैं, कुछ धर्म अन्य धर्मों की तुलना में कमतर हैं, कुछ समुदाय अन्य समुदाय की तुलना में कमतर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा है कि तमिल, बंगाली, मणिपुर, मराठी ये निम्नतर भाषाएं हैं, लेकिन लड़ाई ही यही है, ये लोग भारत को ही नहीं समझते।